नमस्कार बंधुओं, मैं मेजर संजय द्विवेदी, आपका विधायक, अपनी बात का 12वां एपिसोड लेके आपके पास उपस्थित हुआ हूं। मैंने पिछली बार बिजली की समस्या के विषय में संदर्भ उठाया था। इस बार मैं जो बात करने जा रहा हूं वो पेयजल की समस्या के बारे में करने जा रहा हूं। इस समय विश्व की जो रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें सबसे बड़ी समस्या अगर कोई बताई गई है तो पेयजल की समस्या बताई गई है। और ये कहा गया है कि 210 करोड़ आदमी विश्व का पेयजल की, स्वच्छ पानी के पेयजल की समस्या से ग्रसित है। भारतवर्ष में भी अगर देखा जाए तो पेयजल का संकट बहुत गहराया हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जिनको आधा आधा घंटा दूर से तक इंतजार करना पड़ता है, देर तक इंतजार करना पड़ता है, और तब उनको पानी पीने का साफ मिल पाता है। भारतवर्ष ने, भारत की सरकार ने कई सारे कदम इसमें उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश भी राज्य भूगर्भ संरक्षण योजना लेकर आई है, तालाब विकास प्राधिकरण को बनाने की योजना लेकर आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हमारा पीने का पानी है, पेयजल है, वो सामान्यतः भूगर्भ जल है, और आप जानते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। इसको बचाने की ज़रूरत है, इसके संरक्षण की आवश्यकता है, इसके विषय में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। मित्रों, फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो इसी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बिजली, पानी, सड़क तीन मूलभूत आवश्यकता हैं जिन पे हमें काम करना होगा। बिजली पर मैंने काम करने का प्रयास किया है, और बिजली में जैसे पोल्स लगवाने के लिए दीनदयाल ग्रामीण विद्युत योजना के तहत, सौभाग्य योजना के तहत, और अंडरग्राउंड केबलिंग कराने के तहत इस प्रकार की योजना प्रयास चालू किया है। पेयजल के लिए भी मैंने अपने विधायक निधि से कुछ ऐसा प्रारंभ किया है कि 100 हैंडपम्प ग्रामीण क्षेत्र में और 100 हैंडपम्प हमारे शहरी क्षेत्र में लग सके, जिससे जो पेयजल की समस्या है उसका निदान हो सके। बहुत सारे हैंडपंप फर्रुखाबाद शहर में मैं देखता हूँ तो वो निष्क्रिय पड़े हुए हैं। बहुत सारे हैंडपंप्स में सिर्फ हैंडपंप लगा है लेकिन पानी नहीं आता। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके मोहल्ले में, आपके कहीं भी आसपास रिबोर होने वाला हैंडपंप हो या खराब पड़ा हुआ हो, उसकी जानकारी मुझे चाहे टेलीफोन पर, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत संपर्क करके अवश्य दें, जिससे जल निगम के माध्यम से या और भी जो कार्यदायी संस्था है उसके माध्यम से मैं उन हैंडपंपों को ठीक करा सकूं। हैंडपंप की जहां तक बात आती है, इसके अलावा मैंने कुछ चिलर प्लांट्स भी सैंक्शन किए हैं अपनी विधायक निधि से। 20-22 चिलर प्लांट हैं। एक चिलर प्लांट की शायद कीमत जो है वो 3-4 लाख के आसपास आती है, और ये गर्मी में बहुत सहूलियत देंगे हमारे उन लोगों को जो गर्मी में पानी की प्यास से मोहताज हो जाते हैं जब बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। ऐसे करीब 20-22 पॉइंट्स हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके सेलेक्ट किए हैं, वहाँ पर ये लगेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एक मुद्दा फर्रुखाबाद में अभी बहुत उठ रहा था, जो पूर्व मंत्री यहाँ से रहे अनंत कुमार मिश्रा जी, उन्होंने कुछ यहाँ पर ऐसे ही वाटर कूलर्स या चिलर प्लांट्स लगाए थे जो हैंडओवर नहीं हो पाए कार्यदायी संस्थाओं को, और उसके कारण से उनमें पानी नहीं आता है कई वर्षों से। कई लोगों ने मुझसे भी शिकायत की, कई लोगों ने जिलाधिकारी से भी शिकायत की, और कई लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर ये बात कही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस विषय में इसी महीने की 6 तारीख को एक बैठक हुई थी, और उसमें से ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनको चालू करने की योजना बन चुकी है। कुछ तो प्लांट जहाँ पर लगे हुए हैं, जिस संस्था में लगे हुए हैं उनको कहा गया है चालू करने को, और कुछ अगर कहीं से उसका सैंक्शन हो जाता है बजट तो उसकी मरम्मत कराकर चालू कराए जाएंगे। पानी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, इसके लिए हैंडपम्प्स, चिलर प्लांट्स, और जैसे मैंने बताया जो पुराने वाटर प्लांट्स अनंत कुमार मिश्रा जी के ज़माने में लगे थे उनको ठीक कराना। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी योजना अपनी भारत सरकार की अपने फर्रुखाबाद नगर में चल रही है, जिसकी आप लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए, यह है अमृत योजना।
अमृत योजना के तहत पहले चरण में 17,000 घरों में वाटर सप्लाई की जानी है। ये मिशन है भारत सरकार का कि 17,000 एक पहले चरण में सप्लाई की जाए। और इसके तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पहले चरण में 5,000 का लक्ष्य हम लोग पूरा कर चुके हैं और उस मिशन में लगे हुए हैं। मित्रों, जो पेयजल की समस्या है, इसी से जुड़ी हुई समस्या है साफ सफाई की, इसी से जुड़ी समस्या आ जाती है नदियों नालों की। और जो फर्रुखाबाद में 4-5 नाले ऐसे हैं जो जिनके लिए कई शिकायतें आती हैं, उसके संबंध में भी हम लोगों ने चिन्हीकरण किया है, उनको भी रेखांकित किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक 214 करोड़ का प्लांट भारत सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। मैंने इसमें थोड़ा पहल किया था जल निगम के माध्यम से, नमामि गंगे के माध्यम से, और ये 225 करोड़ का जो लगभग प्लांट है, ये STP बनाया जा रहा है, जहाँ पे गंदे नालों को रोका जाएगा, उनका पानी स्वच्छ किया जाएगा, स्वच्छ पानी खेतों में जाएगा, कीचड़ अलग हो जाएगा और माँ गंगा में गंदा पानी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ योजनाएं जल से संबंधित भारत सरकार की हैं, प्रदेश सरकार की हैं, और उनका जो क्रियान्वयन है वो हम लोग ज़िले में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में कोई भी सुझाव आपका हो, कोई भी शिकायत आपकी हो, निश्चित रूप से आप दर्ज कराइए, अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं, आगे पीछे अपने टेलीफोन नंबर से दे सकते हैं। एक तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद उन लोगों को देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने कमेंट्स में अपने टेलीफोन नंबर से मुझे दिए हैं। मेरे लिए बहुत सहूलियत हो रही है कि मैं धीमे धीमे उन तक पहुंच सकूं। मैंने उनके फ़ोन नंबर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, अभी इतना सक्रिय नहीं हो पाया है, लेकिन मैं समझता हूं फर्रुखाबाद की दशा और दिशा सुधारने के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप मुझे बहुत काम देगा, जिसमें आपके तमाम से सारे इस प्रकार के अनुभव मैं शेयर कर सकता हूँ, तमाम सारी योजनाएँ हम लोग शेयर कर सकते हैं, कुछ सार्थक कुछ पॉजिटिव काम अपने विधानसभा, अपने फर्रुखाबाद नगर, अपने फर्रुखाबाद ज़िले के लिए कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए कमेंट पढ़ना चाहूँगा। राजकुमार वर्मा हमारे छोटे भाई हैं और ये इस समय पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, दीपक तिवारी भी, सौरभ कुशवाहा, गौरव मिश्रा, आदित्य शुक्ला, अविनाश दुबे, बंटू चौहान और नेहा दुबे, दीपक चौरसिया, मोहित शुक्ला, इन्होंने नंबर अपना भेजा है, अरुणेंद्र सिंह इज वॉचिंग, ब्रिंग देम ऑन कैमरा लिखा है, हरविंद सिंह ठाकुर पढ़ रहे हैं, सौरभ कटियार पढ़ रहे हैं, पवन शुक्ला पढ़ रहे हैं, दीपक कुमार भारद्वाज हमारे साथ हैं, पुनीत दुबे आपके साथ जुड़े हुए हैं, जानी दुबे इज वॉचिंग, अक्षय पाठक हैं, किशोर चतुर्वेदी कायमगंज से जुड़े हुए हैं, गंगवार साहब हैं, छत्री आशीष गंगवार, साहिल पाथम और राजेश त्रिवेदी, सौरभ कटियार, अक्षय पाठक, ऐसे बहुत सारे सुधी जन जो जागरूक नागरिक हैं और जो जागरूकता से इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, वो हम मेरा समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि धीमे 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 हम लोग बिजली पानी और सड़क इनकी समस्याओं पर काबू पा लेंगे फर्रुखाबाद में, और एक जो आपके सपनों का फर्रुखाबाद है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे इस फेसबुक पर देखा, लाइक किया, कमेंट्स किए, मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।